उपलब्ध टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। एक्शन एंड एसोसिएशन के सहयोग से सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र महसी के द्वारा महसी थाना निकट पेट्रोल पंप के सामने आज पका हुआ चावल, दाल फ्राई, केला प्रवासी मजदूरों को पिछले 13 दिनों से खिलाने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से फंसे प्रवासी मजदूरों को सासम्मान पका हुआ भोजन कराया जा रहा है। संस्था अध्यक्ष अमर ने बताया कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को पका चावल और पानी की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के महसी पेट्रोल पंप के समीप की गई है। गौरतलब हो कि दिनांक 18 से सामाजिक शोध एवं विकास के केंद्र द्वारा एक्शन एंड के सहयोग से लगातार प्रवासी मजदूरों को मानवीय आधार पर पका हुआ भोजन कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। अठारह मई 2020 से नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पर मैसी थाना के समीप कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आंध्र प्रदेश पंजाब यथा दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से हाईवे से गुजरने वाले श्रम शक्तियों के लिए सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र महसी के तत्वाधान में एक्शन एड एसोसिएशन भारत के सहयोग से लगातार सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम ससम्मान किया जा रहा है। इस कड़ी में आज उत्तराखंड, पंजाब और कश्मीर से लौटे प्रवासी मजदूर जो अरुणाचल प्रदेश के लिए जा रहे थे, कटिहार के लिए जा रहे थे, इस रास्ते उनके लिए किया गया। मैं अमर, अध्यक्ष सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र में से। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर जो कई दिनों से चलकर नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर NH-28 के द्वारा अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े हैं, उनके लिए महसी थाना के पास विगत 18 मई से सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र महसी द्वारा एक्शन एड एसोसिएशन भारत के सहयोग से पका हुआ भोजन, पानी और फल की व्यवस्था ससम्मान उनके लिए किया गया है। इस कार्य में संस्था से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं अध्यक्ष सामाजिक शोध एवं विकास केंद्र महसी अमर।